ट्रेन स्टार्टेड एट नाइन ए एम एट स्टेशन एक्स विद स्पीड ऑफ सेवनटी टू ओके यहाँ से नाइन ए एम को एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है सेवनटी टू की स्पीड से आफ्टर टू आवर्स मतलब इधर से इलेवन को एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है विद द स्पीड ऑफ नाइनटी किलोमीटर पर आवर स्टेशन वाई टूवर्ड्स एक्स एंड ये था फ्रॉम एक्स लेट से दिस इज एक्स दिस इज वाई द टू ट्रेन आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस ईच अदर एट वन थर्टी पी एम तो ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं देखो क्योंकि ये नाइन बजे स्टार्ट हुआ है ये इलेवन को सो फ्रॉम नाइन टू इलेवन इन द फर्स्ट टू आर्स इट मस्ट फोर ये वन फोर्टी फोर किलोमीटर कवर कर चुका होगा सेवेंटी टू की स्पीड से इसके बाद इधर से ट्रेन आगे जा रही है सेवेंटी टू से और इधर से आ रही है नाइनटी से एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस इच अदर एट वन थर्टी अब देखोगे तो नाइन इलेवन के बाद इलेवन ए एम के बाद हर घंटे में ये ट्रेन सेवेंटी टू आगे जा रही है ये नाइन्टी जा रही है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेवेंटी टू प्लस नाइन्टी मतलब वन सिक्सटी टू की स्पीड से कवर हो रहा है तो इलेवन से वन थर्टी के बीच में जो टू पॉइंट फाइव आर्स है उसमें इनके बीच टू वन थर्टी को एक्सपेक्ट दैट दे शुड मीट तो उनके बीच का ये जो डिस्टेंस रहा होगा एट 11 एएम वो रहा होगा 162 2.5 क्योंकि 162 की रिलेटिव स्पीड से 2.5 आवर्स में उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो सकता है दैट मींस दे कैन मीट इट इज द एक्सपेक्टेड थिंग सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 162 2.5 विच इज so, 25 250 0 पॉइंट हटेगा 5 कैरी सो 25 16 इज 405 सो so, फोर जीरो फाइव किलोमीटर से बारह बजे के बीच में यह ट्रेन चल रही है नाइनटी की स्पीड से यह सेवन टू की स्पीड से तो बारह बजे वन फोर्टी फोर किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका था एट इलेवन और ये यहाँ से जस्ट स्टार्ट कर रहा था तो बारह बजे ये और सेवेंटी टू आगे आया होगा ये और नाइन्टी आगे आया होगा मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और वन फिफ्टी सिक्स से कम हुआ होगा सॉरी वन सिक्सटी टू से कम हुआ होगा तो बारह बजे सॉरी इनके बीच में डिस्टेंस फोर जीरो फाइव माइनस वन सिक्सटी टू इतना ही रहा होगा विच इज़ टू फोर्टी थ्री तो बारह बजे दो ट्रेंस के बीच में टू फोर्टी थ्री किलोमीटर्स का डिस्टेंस है owing टू द सिग्नल प्रॉब्लम अराइजिंग एट 12 noon, द स्पीड ऑफ which ईच ऑफ ट्रेन वॉज रिड्यूस्ड बाई द सेम क्वान्टिटी दोनों का स्पीड सेम क्वान्टिटी से रिड्यूस किया गया है एंड दे क्रॉस टीच अदर एट 4:30 p.m. अब दोनों का स्पीड सेम क्वांटिटी से कम करने के कारण ये 243 किलोमीटर जो बच गए थे 12 बजे उनके बीच में वो कवर करने के लिए उनको 4.5 पॉइंट आर्स लग रहे हैं क्योंकि 12 बजे से साढ़े चार बजे उनकी मीटिंग हो रही है सो फॉर दिस 243 किलोमीटर रिमेनिंग दे आर नाउ टेकिंग 4.5 पॉइंट तो न्यू रिलेटिव स्पीड ऑफ दीज टू ट्रेन इज 243 फोर्टी थ्री डिवाइड बाई फोर पॉइंट फाइव विच इज टू फाइव थ्री जीरो बाय फोर्टी फाइव फाइव से कैंसिल करेंगे तो दिस इज नाइन फाइव से कैंसिल करेंगे फाइव फोर इजार ट्वेंटी चार बच गया फोर्टी थ्री फाइव एट इजार फोर्टी तीन गया तीस सिक्स 9 से कैंसिल करेंगे तो नाइन फाइव फोर्टी फाइव तीन बच गया छत्तीस नाइन फोर हजार थर्टी सिक्स अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो है वो सिर्फ फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आर बन चुका है इसका था सेवेंटी टू इसको रिड्यूस किया एक्स से मान लो तो इसका स्पीड होगा सेवेंटी टू माइनस एक्स और इधर वाला 90 था उसका स्पीड किया समझो हमने 90 माइनस एक्स तो इनका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 90 प्लस सेवनटी टू इज वन सिक्सटी टू माइनस टू एक्स होगा एंड वी नो दैट दिस न्यू रिलेटिव स्पीड इज फिफ्टी फोर सो वन सिक्सटी टू माइनस टू एक्स इज फिफ्टी फोर दैट मीन्स टू एक्स इज वन सिक्सटी टू माइनस फिफ्टी फोर इज वन जीरो एट दैट मीन्स एक्स इज फिफ्टी फोर So, हमने क्या किया है हमने दोनों ट्रेन का स्पीड एक्स से कम किया है मतलब हमने दोनों ट्रेन का स्पीड फिफ्टी फोर से कम किया है आस्किंग व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इन के एम दैट स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन एक्स स्टेशन एक्स ये था यहां से स्टार्ट होने वाली ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड था सेवेंटी टू जिसको हमने फिफ्टी फोर से कम किया है तो अब न्यू स्पीड ऑफ दैट ट्रेन इज ओनली एटीन किलोमीटर पर आर इजी क्वेश्चन था सिर्फ लेंथ बढ़ाई गई थी क्वेश्चन